नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। कोरोना काल में सरकार द्वारा कोरोना जांच और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की उपचार देखभाल के लिए कोरोना योद्धाओं को टेम्पररी नियुक्त किया था। अब उनकी छटनी करने के आदेश दे दिए हैं। इस आदेश के विरोध में आज जिले के कोरोना योद्धाओं ने प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को अपनी समस्याएं बताते हुए ज्ञापन दिया। ज्ञापन में अस्थायी कर्मचारियों ने मांग की है कि उन्हें स्थायी नियुक्ति संविदा के आधार पर दी जाए। ज्ञापन पंजाब सिंह कुशवाहा जिला अध्यक्ष अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन के नेतृत्व में मंत्री डॉक्टर मिश्रा के आज दतिया निवास पर दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि कोरोना जैसी महामारी ने अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाई, अब उन्हें हटाने का आदेश कहां का न्याय है। दतिया से संवाददाता अंकित जैन की रिपोर्ट। आप लोग यहाँ पर किस लिए हैं? सर, हम लोग कोविड वाले हैं जो अस्थाई में कोरोना के टाइम में भर्ती हुई थी, तो हम लोग लास्ट 6-7 महीने से सेवा दे रहे हैं गवर्नमेंट को। और अब गवर्नमेंट ने कैसा ऑर्डर निकाला है जिसमें हम लोगों को छटनी कर रही है, जबकि हम लोगों को संविदा में हमारी मांग है कि हमें संविदा में किया जाए। 6-7 महीने से हम लोग सेवा कर रहे हैं कोरोना मरीजों के साथ, हम उनकी देखभाल कर रहे हैं, पॉजिटिव पेशेंट को देख रहे हैं। अब गवर्नमेंट को हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमको छटनी करके निकाल दे। 7 महीने हो गए साहब हम लोग सेवा देते होते, हम बस इतना चाहते हैं कि हमको संविदा में। आपका पूरा नाम क्या है? पंजाब सिंह कुशवाहा जिलाध्यक्ष।